ए मार रे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ओ हो पकड़ पकड़ दबा 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 ए थाना फोन कर प्रशासन फोन कर आ भागे का सोमवार की देर शाम बांका जिले के सुमुखिया मोड़ के पास टाउन थाना में पदस्थापित दारोगा रामप्रीत पासवान व साथ में एक चौकीदार का शराब के साथ कुछ अज्ञात युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो उत्पाद विभाग के हाथ लगा तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त वीडियो को जिले के पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया। फिर फजीहत से बचने के लिए पुलिस विभाग तुरंत एक्शन में आ गई। वायरल वीडियो के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम सुमुखिया मोड़ मैदान के पास सब इंस्पेक्टर रामप्रीत पासवान बांका थाना के ही एक चौकीदार से शराब खरीद रहे थे। इसी बीच कुछ युवाओं द्वारा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। शराब की बोतल के साथ ही स्थानीय लोगों के साथ उक्त दरोगा से छीना झपटी का खेल होता रहा। दरोगा जी अपना रुतबा दिखाकर धौंस जमाने की कोशिश करते रहे, मगर दरोगा को भी एहसास हो गया कि वीडियो भी इन युवाओं ने बना लिया है। इस बीच दरोगा वहां से फरार हो गए। दिल पर हम तेरी को पंखा दिए हैं। वो क्या है समझे ना, क्या है उसमें पंखा दिखाइएगा भेंट करने के लिए। तो दिखाइए क्या निकाल रहे, क्या उसमें है, क्या ओहो अरे पंखा उनको ये करके ठीक उसको दिखाइए ना, पंखा दिखाइए कौन है, ये फील्ड का हम लोग खिलाड़ी या प्लेयर है, यहाँ खेलते हैं प्लेयर है। हाँ यहाँ दारू प्याकी होता है, यहाँ दारू प्याकी होता है। नहीं, नहीं उसमें क्या है, नहीं प्याकी उसमें क्या है, प्याकी यहाँ उसको निकालिए निकालिए। आप जो भी है आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको निकाल के दिखा दीजिए, रिक्वेस्ट है आप दिखा दीजिए। ठीक है कहीं का स्टाफ रहे उससे हमको क्या, थाना का स्टाफ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपका, आप दिखा दीजिए, हम आप दिखा दीजिए। हाँ दिखा, आप आपका नाम क्या है, नहीं आपका नाम बताइए, थाना का स्टाफ है, आप क्या कौन है, अरे लाइट दिखी, अरे हम लोग आप नाम बताइए अपना, आप अपना नाम बताइए, डिक्की खोलिए, हम लोग आपका ये है ना, डिक्की खोलिए, डिक्की खोलिए, हम लोग आपका जो है ये है ना, डिक्की खोलिए, ठीक है आप है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मुंह भी माँक रहा है, थाना फोन कर, थाना फोन कर, प्रशासन फोन कर, आप भागे का फोन फोन करो, रुको आप रुके कुछ नहीं, अफीम जोगी ला के दिए इसको, कहाँ से ला के दिए वो भी बताइएगा, नहीं नहीं आपका वीडियो बन चुका है, मेरा मोबाइल ले लिया, ना मोबाइल आपका यहाँ उजल कह रहे हैं मारपीट नहीं करिए, उजल कह रहे हैं। अच्छा रुके बंद कर घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन विभाग में आग की तरह फैल गई। देर रात्रि ही पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने SDPO बांका DC श्रीवास्तव को घटना के वास्तविक जांच के लिए आदेश दिए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि कल रात में ही एक पुलिस अधिकारी के साथ शराब के बोतल लिए और छीना झपटी करते हुए वीडियो प्राप्त हुआ है। रात भर में घटना की जाँच कर घटना स्थल का सत्यापन करते हुए घटना स्थल से देसी शराब सहित शराब की बोतल बरामद किया। जाँच के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त चौकीदार व सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी चौकीदार की रात में ही गिरफ्तारी हुई, वहीं सब इंस्पेक्टर रामप्रीत पासवान की गिरफ्तारी सोमवार को हुई। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है।
झारखंड और उड़ीसा से अपने घर की ओर बिहार की सीमा में आ रहे दो युवकों को सोमवार को पंजवारा बॉर्डर चेक पोस्ट पर जांच के बाद मेडिकल विभाग की टीम ने दोनों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर दिया, जहां एक युवक सागर राय उड़ीसा के झारसुगड़ा में कार के माध्यम से झारखंड के गोड्डा जिला की सीमा तक आया था और वहां से पैदल ही पंजवारा पहुंचने पर उसे पंजवारा बॉर्डर चेक पोस्ट पर जांच के बाद राजकीय मध्य विद्यालय पंजवारा में आइसोलेट कर दिया गया। वहीं लोढ़िया खुर्द के कचमचिया गांव के पीयूष कुमार, जो झारखंड के कोडरमा से पैदल चलकर आ रहा था, उसे पंजवारा चेक पोस्ट पर जांच के बाद मध्य विद्यालय लखपुरा बालक में आइसोलेशन में रखा गया है। इसको लेकर डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि दोनों युवकों का तापमान सामान्य है, लेकिन एहतियातन इनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। मौके पर मुखिया भोला पासवान, शिक्षक रामकृष्ण सिंह मौजूद रहे। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत भवन एवं मध्य विद्यालय का मंगलवार के दिन जिला पंचायत पदाधिकारी सह आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमरपुर सीओ सुनील कुमार साहब, बीडीओ सरस्वती कुमारी, रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सतीश चंद्रा, अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, सहायक अवर निरीक्षक बी के तिवारी, सिपाही निखिल कुमार, पवन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मौके पर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने विद्यालय एवं पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए बीडीओ को अविलंब 100 बेड लगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के लिए पंचायत भवन में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक तैयारी बेहद जरूरी है। इन्होंने पंचायत के प्रभारी मुखिया राजेश सिंह से पंचायत भवन में बिजली पानी की व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन्होंने सीओ को आइसोलेशन वार्ड में रह रहे लोगों के लिए ससमय भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इन्होंने बताया कि बीडीओ अपने स्तर से भी आइसोलेशन वार्ड में जरूरत के अनुसार पंचायत सेवक, विकास मित्र, आवास सहायक आदि की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। मौके पर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी को क्षेत्र के आइसोलेशन वार्डो में नियमित पुलिस गश्ती करते हुए वार्डो की नियमित जाँच करने को कहा गया। अस्पताल प्रभारी से आइसोलेशन वार्डो में पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइज करने वाला केमिकल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह बिहार में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है, यह काफी चिंतनीय विषय है। इसकी सुरक्षा के लिए सभी अधिकारीगण पूरे मुस्तैदी के साथ जुट जाएं। इस अवसर पर आइसोलेशन वार्ड में नियुक्त एएनएम अंजू कुमारी, रंजना कुमारी, पंचायत के विकास मित्र सालनी कुमारी, सेविका रीना कुमारी, टोला सेवक संजीव कुमार रजक, डोमर लाल बैठा, अभिमन्यु रजक समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। अमरपुर थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने मंगलवार के दिन शहर के विभिन्न बैंकों का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र के कुल्हड़िया बॉर्डर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद सिंह एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से अमरपुर सीओ सुनील कुमार साह उपस्थित थे। थानाध्यक्ष शहर के बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक एवं सीएसपी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीण बैंक में उमड़ी भीड़ को देखकर निकासी करने आए उपभोक्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने का पाठ पढ़ाया। इन्होंने बैंक कर्मियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि निकासी करने आए सभी उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 2 फीट की दूरी पर खड़ा रहते हुए जमा निकासी करें। वहीं कुल्हड़िया बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों को पूरी सख्ती से ड्यूटी करने की हिदायत देते हुए आने जाने वाले वाहनों की अच्छी तरह से जाँच करने का निर्देश दिया। इन्होंने पुलिस कर्मियों से हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। मौके पर इन्होंने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर सहायक अवर निरीक्षक बी के तिवारी, मनरेगा कर्मी सिपाही निखिल कुमार, पवन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूरे देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से जहां आम लोगों में दहशत फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बांका के अमरपुर के समाज से भी एकजुटता दिखाते हुए आम लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। अमरपुर के समाज से भी सत्यम कुमार महतो, उर्फ भोला महतो, चंदन तिवारी एवं अजीत पोद्दार के द्वारा किए गए कार्यों के लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। मंगलवार के दिन इन्होंने पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया, जिस कड़ी में मंगलवार के दिन खेमीचक, बभनगामा, बिसंभरचक गाँव को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी सत्यम तो एवं चंदन तिवारी ने बताया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। आज पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, इससे बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइज किया गया है और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा क्षेत्र सैनिटाइज नहीं हो जाता। मौके पर इन्होंने आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने की अपील की। वहीं चंदन तिवारी ने बताया कि खेमीचक स्थित अपने पेट्रोल पंप पर कार्यरत सभी कर्मियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पेट्रोल लेने आए ग्राहकों को मास्क के बिना तेल नहीं देने की कड़ी हिदायत भी दी, जिसका कर्मी बखूबी से पालन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइज करने में अजीत कुमार, नागो यादव, मुनिलाल मंडल, मनोज यादव, चेरू मंडल, शेखर सिंह समेत पेट्रोल पंप के कर्मियों ने सहयोग किया।